तो बच्चों तुम सब उलट पलट अक्षर वाली पहेली सुलझाने के लिए तैयार हो ना। अगर तुम सबने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो तुम इसे आसानी से सुलझा लोगे। चलो हमारा पहले तुम बताओ कि ये क्या लिखा है। हाँ सर, ये आटा लिखा है। बहुत अच्छे हमारा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब तुम्हारी बारी यूमी को, बताओ ये क्या लिखा है। ये कॉम्पिटिशन लिखा है सर। शाबाश। अब कौन बताएगा। हाँ कैनी जी। हाँ सर। उल्टे पुल्टे अक्षर वाले इस शब्द को तुम क्या पढ़ोगे। ये है सर। जल्दी बताओ क्या नीची। अगर आप मुझे थोड़ी हिंट देंगे तो मैं जरूर बता दूंगा सर। ये कोई क्विज गेम है जो तुम्हें हिंट मिलेगी बेवकूफ। सॉरी सर, पर मुझे तो कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये घन चक्कर सर को चक्कर में डालने की कोशिश कर रहा है। मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्या लिखा है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और केनिची तुम आकर मुझे हेल्थ केयर रूम में मिलो, मुझे तुम्हारी आंखें टेस्ट करनी है। ओके सर। फंस गया केनिची। कितना अच्छा हुआ ना यूमिको। तो तुम लोग अपने अपने घर वापस जा रहे हो। हाँ सही कहा तोड़ी। डिनिंग, लेकिन केनिची तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। क्योंकि हेल्थ केयर रूम में उस डबल बैटरी की आंखें टेस्ट कर रहे हैं। चुप रहो हमारा, परेशान मत होना हो तोड़ी, केनिची जल्दी ही वापस आ जाएगा। बाय बाय बाय। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। हाँ टाइम मिला तो। पता नहीं ये केनिची आज कहाँ पर रह गया। इसे पढ़ो। कुछ नहीं दिख रहा। और ये वाला। कुछ नहीं दिख रहा सर। और अब ये वाला पढ़ो। डिनिंग, ये तो सिंपल कैरेक्टर्स हैं और मुझे पूरे यकीन है केनिची इन्हें बड़े आराम से पढ़ सकता है। बड़ी अजीब बात है, अब इसे पढ़ो। नहीं दिख रहा सर। आंखें चाहे जितनी भी कमजोर हो लेकिन केनिची इतने बड़े अक्षर तो पढ़ ही सकता है। मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ गड़बड़ है, मैं अमारा से पूछता हूँ, शायद उससे कुछ पता चल जाए। डिनिंग, केनिची अगर तुम इतने बड़े अक्षर भी नहीं देख पा रहे हो तो फिर तुम्हारी आँखों की बत्ती गुल हो गई है। सच में तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। अच्छा अब तुम मेरा चश्मा पहन कर इसे पढ़ने की कोशिश करो केनिची। अरे बाप रे, ये लेंस है, ये लेंस की दुकान। मुझे चक्कर आ रहे हैं सर, आपका सर घूम रहा है और मेरा भी। मैं बेहोश हो रहा हूँ। क्या हुआ केनिची, मैं अपने चश्मे के बिना कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। केनिची कहाँ हो, केनिची कहाँ हो, केनिची कहाँ चले गए तुम। केनिची मिल गया केनिची। केनिची तुम ठीक तो हो ना, किसे क्या हो गया है, ये तो सांस भी नहीं ले रहा। केनिची मुझसे बात करो। केनिची तुम सांस क्यों नहीं ले रहे हो, तुम्हें अक्षर नहीं दिख रहे थे और ऊपर जाने का रास्ता दिख गया, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या हो गया सर। दिखाई नहीं दे रहा, मेरी गोद में केनिची का शरीर है और उसकी आत्मा ऊपर वाले की गोद में है। क्या कह रहे हैं आप। सर मेरी आत्मा और शरीर दोनों मेरे पास ही हैं। अरे ये तो केनिची की आवाज है, इसका मतलब वो सही सलामत है। अगर वो सही सलामत है तो फिर मेरी गोद में ये कौन है जिसे मैं केनिची समझ रहा था। अच्छा तो केनिची उल्टे पुल्टे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा था और उसने नाटक किया कि उसे अक्षर दिखाई नहीं दे रहे। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा, तुम्हें पता भी है मुझे उसके बारे में कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए प्लीज। अगर तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी निंजा टेक्निक की मदद से उसे उल्टे पुल्टे अक्षर पढ़ना खुद सिखाऊंगा। ठीक है, अपना वादा जरूर पूरा करना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हथौड़ी आपका भरोसा किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देगा। डिंग डिंग। उल्टे पुल्टे अक्षरों को याद करने की कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है। ऐसा किसने कहा, ये सच नहीं है, अब पढ़ना शुरू करो। तुम तैयार हो। इस सिंबल का मतलब होता है आटा, इसे असल में दो अलग अलग सिंबल से बनाया गया है, पहला चावल और दूसरा टूटना। ये तो मुझे भी पता है थोड़ी। मेरी बात ध्यान से सुनो, जब चावल टूटता है तो हमें उसका पाउडर मिलता है, समझ गए। ये तो इंटरेस्टिंग है, जब चावल टूटता है तो वो पाउडर बन जाता है, अब समझा। और इसीलिए आटे का सिंबल इन दोनों को मिलाकर बनता है। याद रखने का ये तरीका तो बहुत आसान है। ठीक है चलो अब अगला लेते हैं। दो भाई जो खड़े होकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये सिंबल है कंपटीशन का। दो भाई जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये सिंबल है कंपटीशन का। अब अगला देखो, बताओ इसे देखकर तुम्हारे दिमाग में कौन सा कैरेक्टर आता है। मेरे दिमाग में कंप्यूटर का नाम आ रहा है। बहुत अच्छे केनिची, और कंप्यूटर सिंबल है टेक्नोलॉजी का।
टेक्नोलॉजी के बिना तो आज कुछ भी नहीं हो सकता। हथौड़ी, इसे याद करना तो बहुत ही आसान है। बहुत अच्छे केनिची, अब तुमने ये सारे सिंबल याद कर लिए। अरे वाह, फिर तो इस बार एग्जाम में मैं पूरे नंबर ला सकता हूँ। वाह वाह। अब तुम एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। डिनिंग, काश वो सब जवाब दे दे। चलो बच्चों, हम कल वाली उल्टे पुल्टे अक्षर की पहेली फिर से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कौन? हाँ केनिची, तुम पढ़कर बताओ कि ये क्या लिखा है। यस सर। पहले इसे पढ़ो। ओके, जब चावल टूटता है तो उससे बनता है पाउडर। हाँ, तो ये हुआ आटा। बहुत बढ़िया, अब ये पढ़ो। दो भाई जो खड़े होकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये सिंबल है कॉम्पिटिशन का। बहुत अच्छे, अब इसे पढ़ो। ये कंप्यूटर है तो इसका मतलब हुआ टेक्नोलॉजी। वाह वाह, क्या बात है केनिची, शाबाश, आगे भी ऐसे ही जवाब देते रहना। यस सर। चलो अब बैठ जाओ। वेरी गुड, आखिरकार मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। डिंग डिंग। झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। डिंग डिंग। बच्चों, आप लोगों ने कल जो मैथ्स का टेस्ट दिया था उसके आंसर पेपर्स आ गए हैं। यस सर। योशियो हरागा। यस सर। केनिची मित्सुबा। यस सर। इस बार तुम्हें फिर से जीरो मिला है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसते हो, ये पेपर ले जाकर अपनी मम्मी को जरूर दिखाना। यस सर। अब क्या होगा? फिर से जीरो। अब तुम जीरो के हीरो बन गए हो। क्या मतलब? तुम्हें जीरो मिला है क्योंकि तुम्हारे सारे जवाब गलत है, तो हो गए ना तुम जीरो के हीरो। तुम्हारा जवाब नहीं दोस्त। ये बेकार की बातें करना बंद करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ना जाने मम्मी इस पेपर को देखने के बाद क्या कहेंगी। अलग अलग मैं इस पेपर को फेंक देता हूँ। फेंक दे? फिर तो मम्मी को कुछ पता नहीं चलेगा, है ना? नहीं नहीं, तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन ये पेपर हवा की वजह से अपने आप उड़ जाए तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे मेरा आंसर पेपर तो सच में हवा में उड़ गया, अब क्या होगा? लेकिन तुम भी तो यही चाहते थे ना। अरे लगता है केनिची किसी बात से परेशान है। डिंग 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 डिंग। तुम किसी बात से परेशान लग रहे हो? हाँ, मेरा आंसर पेपर हवा में उड़ गया है। फिकर नॉट, मैं उसे लेकर आता हूँ। हवा में उड़ने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। थोड़ी संभल कर। डिंग 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 डिंग। ये रहा तुम्हारा आंसर पेपर। कभी कभी हथौड़ी की निंजा टेक्निक काम बनाने के बजाय बिगाड़ देती है। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें थैंक यू कह रहा था। मुसीबत के समय मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। आगे जब भी तुम्हें कोई परेशानी होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हथौड़ी की निंजा टेक्निक ने तो मुझे अब बुरी तरह फंसा दिया है। तो फिर अब हम क्या करें? मिल गया मुसीबत का हल। जलती हुई आग, अब तुम पेपर इसमें डाल दो। हाँ ये सही कह रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता दोस्तों। हा? पर अगर ये पेपर हवा में उड़कर इस आग में गिर जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जीरो नंबर देखने से तो अच्छा है कि ये पेपर आग में जल जाए। ये तो आग में गिर गया। अरे नहीं, इस बार तुम्हारा आंसर पेपर हवा से उड़कर आग में गिर गया है ना? अरे नहीं, मैंने उसे खुद जलाया है। हाँ? नहीं नहीं, मतलब ये हवा में ही उड़ गया था। ठीक है केनिची, मैं इसे वापस लेकर आता हूँ। आग में कूदने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। अरे हथौड़ी नहीं, भाड़ में जाए निंजा टेक्निक्स। हाँ सही कहा, कभी कभी ये पीछे ही पड़ जाता है। डिंग 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 डिंग। शुक्र है तुम्हारे पेपर को कुछ नहीं हुआ। ये लो केनिची। शुक्रिया हथौड़ी। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों, अगर पेपर घर लेकर गया तो। केनिची, इस बार भी तुम्हें जीरो क्यों मिला? मुझे कमजोरी हो रही है। केनिची अपने आप को संभालो। आइडिया, केनिची अगर हम इस पेपर को पानी में फेंक दे तो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर तेज हवा इसे खुद उड़ाकर पानी में गिरा दे तो ठीक है। लगता है अब मुसीबत टल गई है। चलो बहुत अच्छा हुआ। अब तो तुम उदास नहीं हो ना? जो हुआ जाने दो, चलो अब वापस घर चलते हैं। हाँ चलो अब घर चले। चलो घर चलते हैं।
मम्मी मैं आ गया। तुम आ गए केनिची? इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ है आंसर पेपर? हाँ कौन सा आंसर पेपर मम्मी? कल स्कूल में तुम्हारा मैथ्स का टेस्ट था ना, तो आज तुम्हें उसका आंसर पेपर मिल जाना चाहिए था। क्या? चलो अब जल्दी से मुझे दिखा दो। अरे वो असल में मम्मी मुझे 100 मार्क्स मिले हैं। क्या 100 मार्क्स? तुमने तो कमाल कर दिया केनिची, अब जल्दी से मुझे अपना आंसर पेपर दिखा दो। वो असल में मम्मी हुआ ये कि तेज हवा की वजह से वो नदी में गिर गया। नदी में गिर गया? सच में मम्मी, मैं वो शिंजो को दिखाई रहा था कि इतनी तेज हवा आई और उसे उड़ाकर नदी में फेंक दिया। हाँ मम्मी सच कह रहा है, उस वक्त अचानक इतनी तेज हवा आई कि पेपर। पहली बार केनिची को 100 मार्क्स मिले और मैं उसका आंसर पेपर भी नहीं देख पाई, मुझे बुरा लग रहा है। केनिची लेकिन उस आंसर पेपर में तो। अरे हथौड़ी तुम यहाँ हो, चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। चलो चलो, कुछ तो गड़बड़ है। अब क्या करेंगी मम्मी? और इसी वजह से मैं वो आंसर पेपर मम्मी को नहीं दिखाना चाहता था। उसमें क्या परेशानी थी? मुझे 0 मिला था और अगर मम्मी को ये पता चल जाता तो वो मुझे डांटना शुरू कर देती। लेकिन केनिची तुम एक अच्छे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो खुद मम्मी को वो आंसर पेपर दिखा देना चाहिए था, समझे? तुम सही कह रहे हो हथौड़ी, लेकिन अगर तुम मम्मी को अपने नंबरों के बारे में सच बताओगे तो वो तुम्हें नहीं डांटेंगी। वैसे मैंने अपनी मछली की तरह तैरने की टेक्निक की मदद से तुम्हारा आंसर पेपर नदी में से निकाल लिया था। डिंग 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 डिंग। तो तुम जानते थे हथौड़ी, तुम मेरे मामलों में टांग क्यों अड़ाते रहते हो? मैंने अपने कपड़ों के साथ तुम्हारे आंसर पेपर को भी यही सुखाने डाल दिया था, ये देखो। डिंग डिंग। अरे आंसर पेपर कहाँ चला गया? मुझे लगता है तेज हवा से उड़कर वो कहीं उड़ गया होगा। अरे बाप रे, अगर वो मम्मी के हाथ लग गया तो शामत आ जाएगी। केनिची जल्दी से नीचे आओ। मैं तो गया। ये क्या हरकत है केनिची? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा आंसर पेपर हवा में उड़कर नदी में गिर गया था, लेकिन ये तो मुझे अपने ही गार्डन में पड़ा मिला। वो असल में मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, अगली बार 100। तो आखिर मम्मी को सच पता चल ही गया। वैसे भी झूठ ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता, सामने आ ही जाता है। डिंग डिंग। सो गाइस, तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आपको अपने कार को यहाँ पे ना अपग्रेड कैसे करना है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने यहाँ पे इस कार को यहाँ पे बाई किया था। ओके, इस कार को मैंने यहाँ पे बाइक किया था, आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा कार है। ओके, इस कार को मैंने यहाँ पे बाइक किया था और इसको मैं अपग्रेड करके आप सभी को यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको साइड में यहाँ पे अपग्रेड का जो ऑप्शन शो कर रहा है इस पे जाना है और यहाँ पे आपको कॉइन्स यहाँ पे शो कर रहा होगा, तो साइड में जितना भी कॉइन्स यहाँ पे शो कर रहा है उसके थ्रू आप यहाँ पे ना अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 5909 कॉइन है और यहाँ पे 5909 कॉइन का कोई भी ऑप्शन ही नहीं है, सबसे कम यहाँ पे ना 7500 का है। ओके, तो मुझे यहाँ पे कुछ गेम यहाँ पे प्ले करना पड़ेगा और यहाँ पे विन करना पड़ेगा, कॉइन्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपग्रेड कर सकता हूँ। ओके, तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पे ना गेम प्ले करके यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे ना गेम प्ले करके और अब और कॉइन अर्न करके अपग्रेड करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस कार्ड को यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे इस कार्ड को मैंने यहाँ पे फुल अपग्रेड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल अपग्रेड कर रखा है, यहाँ पे अपग्रेड का ऑप्शन यहाँ पे गायब हो चुका है। ओके, फुल यहाँ पे पूरा मैक्स पे यहाँ पे आ चुका है, तो ऐसे करके आपको अपग्रेड कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली रेस करने के लिए रेस वाले ऑप्शन पे जाना है, बहुत सारे यहाँ पे लेवल देखने के लिए मिलेंगे, तो मैं यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेलेक्ट कार, यहाँ पे मैक्स का भी ऑप्शन है। ओके, तो अगर आप 5 यहाँ पे कॉइन लगाएंगे तो आपको ना आपका कार मैक्स पे यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपका कोई कार अगर मैक्स पे अपग्रेड भी नहीं है ना, फिर भी आप यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं। 5 आपको आर कॉइन्स आपको ना 5 लेगा, जैसे मेरे यहाँ पे 140 आर कॉइन है, तो ऐसे करके आपको ना 5 आर कॉइन देना पड़ेगा तो आपका यहाँ पे ना अपग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आप डबल भी कर सकते हैं, आप बूस्ट भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे फिलहाल मैक्स ले लेता हूँ, मैक्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे चलिए बूस्ट भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं डबल कॉइन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल से मुझे यहाँ पे अर्निंग हो जाएगा, मतलब जितना भी कॉइन का मुझे यहाँ पे अर्निंग होगा वो डायरेक्ट यहाँ पे डबल हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद सेलेक्ट कार, चाकी को टाइट कर लूँगा, उसके बाद गो। चलिए गेम यहाँ पे सब देख सकते हैं, गेम यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। और गाइस ये गेम यहाँ पे ना रेतीला इलाके में स्टार्ट होने वाली है, पूरा रेत का इलाका है। और यहाँ पे मैं आगे से अपने गियर को यहाँ पे टाइट कर लेता हूँ, पहले स्पीड यहाँ पे पूरा बूस्ट यहाँ पे दे देता हूँ आगे, क्योंकि आगे मैं यहाँ पे फर्स्ट निकल जाऊँगा तो फिर मुझे यहाँ पे मतलब कोई टक्कर मारने वाला यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी मतलब रोकने वाला नहीं होगा। अरे यार ये गाड़ी तो और भी तेज़ भाग रहा है।
अरे यार, अरे 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 यार, पूरा गाड़ी को घुमा दिया सब टक्कर मार के यार मुझे। सब आगे निकल गया, मैं ही पीछे रह गया। इसका ग्राफिक लेकिन बहुत मस्त है। ओके, मतलब मजा आ रहा है खेलने में। तभी मैं जीत के रहूंगा यार, हारना का तो सवाल ही नहीं आता, मैं तो जीत के रहूंगा। चलो, मैंने भी दो गाड़ी को यहाँ पे उल्टा कर दिया है। अब लोग मतलब रास्ता खोजते रहेगा, ताले में आगे निकल जाऊँगा। अब सिर्फ तीन गाड़ी मुझसे आगे है, तीन तीन। बूस्टर यार ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पे फोर्थ आ चुका हूँ, वो फिफ्थ नंबर पे हूँ मैं यहाँ पे। देखिए बस फिनिश लाइन आ चुका है। और मैं यहाँ पे थोड़ा हार चुका हूँ यार, नेक्स्ट करता हूँ। और आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 1664 कॉइन यहाँ पे मिल चुका है। होम पे जाता हूँ, यहाँ पे डबल का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो आप यहाँ पे 2x पे क्लिक करके यहाँ पे एक 8 को यहाँ पे वॉच करना पड़ेगा, तो आपका कॉइन डबल हो जाएगा। ओके, तो देख सकते हैं मेरे यहाँ पे 8573 कॉइन हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली अपग्रेड पे जाना है, जिस भी कार्ड को आपको अपग्रेड करना है अपग्रेड पे जाना है। और आपको देख सकते हो ऊपर जो इंजन का ऑप्शन है, इसे मैं यहाँ पे अपग्रेड कर सकता हूँ, तो अपग्रेड पे टैप करना है। और आप देख सकते हैं अपग्रेड थोड़ा यहाँ पे हो चुका है, थोड़ा इसका लेवल बढ़ चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद और ज़्यादा कॉइन आपको लेगा अपग्रेड करने के लिए। ओके, तो ऐसे करके आप यहाँ पे कॉइन को अर्न करके अपने गाड़ी को अपग्रेड यहाँ पे कर सकते हैं।